हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 200 एम्पियर इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल परचेस करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इन्वर्टर बैटरी के बारे में बात कर रहा हूँ। बैटरीज जो होती हैं दोस्तों, वो कई तरह की होती हैं। एक सोलर बैटरी भी होती है, एक होता है दोस्तों बिना एसिड वाला बैटरी जो कि लिथियम बैटरी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इन्वर्टर बैटरी के बारे में जो कि दोस्तों C20 बैटरीज होती हैं। तो C20 बैटरीज जो होती हैं दोस्तों, वो इन्वर्टर के लिए आती हैं और C10 जो होती हैं वो सोलर पैनल के लिए आती हैं। अगर दोस्तों आपको C10 और C20 के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये दोनों C10 और C20 क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि C10 और C20 क्या है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई सा भी बैटरीज हैं, चाहे दोस्तों आपके पास 100 एम्पियर का हो, 150 एम्पियर का हो, बड़ी ही आसानी से दोस्तों आप पता कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं C20 के बारे में, जो कि हमारा बैटरी होता है C20 है। अगर दोस्तों हमारे पास इन्वर्टर बैटरी है तो सबसे पहले दोस्तों हमें डिवाइड करना होता है 200 से यहाँ पर 20 से, ठीक है। तो 200 से हम 20 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, ताकि दोस्तों हमें ये पता चल जाए कि हमारा बैटरी जो है वो कितना एम्पियर से चार्ज हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 10। तो 10 मतलब कि दोस्तों हमारा जो बैटरी है वो मैक्सिमम 10 एम्पियर से हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम 10 से ज़्यादा एम्पियर से अगर अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, मतलब 11, 12, 15 एम्पियर से अगर हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि हमारी बैटरी में जो है दोस्तों हीट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उस सिचुएशन में दोस्तों जल्दी जल्दी जो है एसिड जो होता है बैटरी के अंदर जो पानी होते हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको ये भी समझने वाली बात है, अगर आपकी बैटरी में जल्दी जल्दी पानी ख़त्म हो रहा है तो सोचिए दोस्तों आपका जो बैटरी है बहुत तेज़ चार्ज हो रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कीजिए। तो दोस्तों आपका बैटरी जो है वो 10 एम्पियर से ज़्यादा से चार्ज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों हमें ये देखना होगा कि कौन सी सोलर पैनल जो है वो लगभग 10 से 12 एम्पियर आउटपुट सप्लाई देती हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 200 वाट का सोलर पैनल परचेस करते हैं, उसका दोस्तों जो आउटपुट एम्पियर होगा वो लगभग 11 एम्पियर के आसपास में होगा। ये कोई दोस्तों गारंटी नहीं है कि सोलर पैनल पर लिखा हुआ है कि हमारा सोलर पैनल 11 एम्पियर आउटपुट सप्लाई देगा, तो वो प्रैक्टिकली वो दे ही देगा, क्योंकि दोस्तों धूप जो होता है वो कभी डाउन होता है कभी तेज होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर धूप रहता है तब जाके वो दोस्तों 8 से 9 एम्पियर तक दे सकता है आउटपुट सप्लाई, अगर उस पर 11 एम्पियर लिखा हुआ है तो। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप 10 एम्पियर से नीचे से ही अपनी बैटरी को चार्ज करते हो तो ही ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको परफेक्ट रहेगा 200 वाट का सोलर पैनल। फिर भी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपको 100 वाट का दो सोलर पैनल परचेस करना चाहिए तो वो भी ठीक है, चाहे तो आप 100 वाट का दो सोलर पैनल खरीद सकते हो या फिर दोस्तों 200 वाट का आप एक ही सोलर पैनल परचेस कर सकते हो। सपोज दोस्तों अगर आपके पास सोलर बैटरी होती तो उस पर लिखा हुआ होता है C10 और 10 को अगर दोस्तों हम 200 को डिवाइड करते हैं 10 से तो यहाँ पर हमारे निकल के आ जाता है 20, मतलब कि 20। तो 20 एम्पियर से देखा जाए तो दोस्तों हमारा सोलर बैटरी जो है इजिली चार्ज हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों हम 400 वाट का भी सोलर का इस्तेमाल कर सकते थे सोलर बैटरीज के लिए। तो सोलर बैटरी जो होती है थोड़ी महंगी आती हैं, इसी वजह से कि वो ज़्यादा तेज़ी से चार्ज भी हो सकती हैं और ज़्यादा तेज़ी से वो डिस्चार्ज भी हो सकती हैं। ये तो दोस्तों क्लियर हो गया कि अगर आपके पास 200 एम्पियर का नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है तब दोस्तों आप उसको 10 एम्पियर से चार्ज कर सकते हो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको 200 वाट का सोलर पैनल जो है वो आपके बैटरी के लिए परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही छोटे समय में मैंने आपको ये वीडियो में कंप्लीट कर दिया, आपको इजीली समझा भी दिया। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।